नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में आज भी संग्राम जारी रहा। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने पीएम हाउस में आओ के नारे लगाए। भारी हंगामे के चलते आज भी बिना चर्चा के ही सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच तीखी बहस हुई और इस दौरान जेटली ने विपक्ष को नोटबंदी पर चर्चा की चुनौती दी है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा दोनों नेताओं ने। मैं ये पूछ रहा था कि ये 84 लोगों की जो जान चली गई, जिसमें औरत मर्द बूढ़े बच्चे हैं, अलग अलग कारणों की वजह से, क्योंकि उन पर इस पॉलिसी इस नीति की वजह से सरकार की जो बगैर सोचे समझे बगैर पैसा का इंतज़ाम किए, बगैर बैंकों में उसका इंतज़ाम किए हुए गए, बगैर एटीएम में उसका इंतज़ाम किए हुए, और हिंदुस्तान के कितने गांवों में कितने देहातों में एटीएम है उसका ध्यान न रखते हुए ये इतनी बड़ी स्कीम लाई, जिसके चलते आज इतने दर्जनों लोगों को अपनी जान खुद लेना पड़ी। तो मेरा सवाल ये था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन। जितने विषय आज आजाद साहब ने उठाए हैं वो सारे उस चर्चा के विषय हैं। सर ये कहा गया कि चर्चा इस नियम में हो, हम राजी हो गए। ये कहा गया प्रधानमंत्री जी क्या चर्चा में भाग लेंगे, सरकार ने यह कहा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे, वो सदन में भी आते रहे। लेकिन no, किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है, और विपक्ष का ये प्रयास रहता है कि 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में ना दी जाए। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। जो चर्चा अधूरी है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस चर्चा को तुरंत आरंभ।